हेलो स्टूडेंट्स, कल से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, बिहार बोर्ड 12th। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई भी टेंशन नहीं लेना। आपका काम था पढ़ना, आप एक साल लॉकडाउन वाले परिस्थिति में भी पढ़ाई किए हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि अगला क्या होगा। और इस सोच के साथ ये नहीं कि पूरी रात जग रहे हैं और फिर अपना नींद खराब करके एग्जाम दे रहे हैं। आपको पूरे अच्छे से सोना है अब, और सुबह जाकर के पेपर देना है। पेपर बहुत ही अच्छा आएगा, बस ये विश्वास रखना है कि जितना पढ़े हैं उसी में से आएगा, और कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि एक एग्ज़ाम से कुछ ये डिसाइड नहीं होता है कि जीवन कैसे क्या होगा नहीं होगा। आपका बस एक ही काम है, मेहनत करना। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मेहनत किए हैं, एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा और बिल्कुल आपके अनुकूल ही पेपर आएगा। तो बढ़िया से पेपर देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना है इस एग्ज़ाम में, कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, अटेम्प्ट ले करके ही आना है। और एक चीज़ और होगा कि सुबह आपके मोबाइल पे हो सकता है कि कहीं से मैसेज आ जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव का ही आंसर है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। उस पर ध्यान देने से पेपर बिगड़ सकता है, इसलिए कोई ये सब बातों में विश्वास नहीं रखना है। अपना पढ़ाया हुआ है ही, और पेपर बहुत मस्त जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। इसलिए पेपर पे ध्यान देंगे और पेपर को बढ़िया से लिखना है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और बेहतर मार्क्स आएगा। तो एक बार फिर से ऑल द बेस्ट।